नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा, स्वागत है आपका एबीबी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। कई हिंदू संगठनों ने सीरीज को हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कर्णी सेना ने सीरीज के दूसरे सीजन पर बैन लगाने की मांग की है। अब इस बारे में जो कर्णी सेना की मांग थी कि सीरीज को बैन कर दिया जाए, सीजन टू को बैन कर दिया जाए, उस पर इस वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रकाश झा का मानना है कि वो कोई नहीं होते कि वो कर्णी सेना को जवाब इस मसले पे पूरा जवाब दे। देश की जनता और जो व्यूअर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो आश्रम वन आया था, सीजन वन आया था, उसमें लगभग 400 मिलियन लोगों ने इस सीरीज को देखा और उनको बहुत पसंद आई और उन्हीं की डिमांड थी कि इसका सीजन टू भी आए, जिसकी वजह से प्रकाश झा ने सीजन टू बनाया है। और उनका ये मानना है कि लोगों में एक उत्सुकता है इस सीरीज को देखने के लिए, वो वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज OTT पे आए और वो देखें और इन्जॉय करें। फिर कर्णी सेना या फिर कोई और हिंदू संगठन कौन होता है डिसाइड करने वाला कि इस वेब सीरीज को बैन कर दिया जाए। खैर, प्रकाश झा ने जिस इसके डायरेक्टर हैं उनका मानना है कि वो बैन नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे। इसके पहले भी प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल हो या अपहरण हो या फिर जो उन्होंने रियल लाइफ में फिल्में बनाई थी उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी कि वहाँ के लोगों ने इसको बैन करने की मांग की थी, लेकिन प्रकाश झा अटिक रहे और खड़े रहे और उन्होंने फिल्म बनाई और लोगों ने देखा भी और फिल्में हिट भी हुई हैं। इसी प्रकार से आश्रम टू को भी लेके जो भी विवाद चल रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि प्रकाश झा पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखना है कि ये हिंदू संगठन है, चाहे कर्णी सेना हो, चाहे फिर अलग हिंदू महासभा हो, ये किस प्रकार से इस वेब सीरीज के ऊपर एक्शन लेते हैं और क्या ये इनका जो विरोध है वो आगे बढ़ता है या फिर ये पीछे हट जाते हैं। जो भी होगा, आपको जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वेब सीरीज को लेके। तब तक आप बने रहिए एबीबी एंटरटेनमेंट में। नमस्कार।